सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विशाल एंड काजल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हम लोग आए हैं शिरडी में, पुरानी शिरडी। पुरानी शिरडी मतलब कि पुरानी शिरडी कैसे दिखती थी अपने असली टाइम में, वहाँ पर आए हैं। पूरा इन्होंने एक सेटअप बना रखा है, मतलब कि दिखा रखे कि हाँ कैसे होती थी पुरानी शिरडी। और यहाँ पे अंदर आने का जो चार्जेस है पर पर्सन, जो टिकट है वो है 150 रुपये। और उसके अंदर ये वाली पीछे देखो, ऊपर दिखाओ, ट्रेन है, ये इंक्लूडेड रहेगी। एक आधा और गेम है वो इंक्लूडेड है, बट अगर आपको कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग करनी है तो उसके आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। तो अब चलते हैं फटाफट से अंदर देखने के लिए। मतलब वैक्स की मूर्तियाँ और ये सब बना रखा है, उसी से ही उन्होंने पूरा यू नो प्रेजेंट कर रखा है कि कैसा दिखता था उस टाइम पे जब बाबा थे यहाँ पे। अब तो खैर बहुत डेवलप हो गया जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जो एक्चुअल था। तो चलो क्विकली चलते हैं। सो टिकट पे करने के बाद ये आपका एंट्री एरिया है, यहाँ से अंदर चलते हैं और जो जो चीज़ें आपको सबको दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर बना रखा है, ऐसा लग रहा है पूरा असली का, जैसे गांव होता था शिरडी का, बिल्कुल वैसा सा ही लग रहा है। यहाँ पे जैसे एक बंदा ये लकड़ी काट रहे हैं, ये बकरी खड़ी है और ये गोबर की लिपाई हो रही है। ये बाबा बैठे हैं बाजा माँ के पास, जब बाबा खाना खाने भी आते थे और अभी खाना खा रहे हैं। और ये है बाजा माँ का घर, ये बाबा की पालकी निकल रही है। यह है माधव राव देश पांडे का स्कूल, यानी श्यामा का स्कूल, बच्चों को पढ़ाते हुए। यह है द्वारका माई, जब बाबा ने अंतिम श्वास लेने से पहले लक्ष्मी को 9 सिक्के दिए थे। और अंत में ये दृश्य है बाबा के समाधि स्थान का। और यहाँ से एंट्री है हमारी ट्रेन की, तो हम भी ऊपर जाएंगे फिर इसके ट्रेन के झूले खाएंगे। और फाइनली हमें यहाँ पे मैगी भी मिल गई, का जो मैगी का प्राइस है वो पर पैकेट आपको 50 रुपये मिलेगा। मैगी आ गई हमारी। ट्रेन राइड के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मैजिक शो देखने, उसकी भी कोई फीस नहीं है, वो भी आप जब टिकट लोगे तो उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री यानी फ्री ही मिलता है। ये कोई नहीं, छोटू चेक करो, सिंगल एक है, डबल एक ही के दो है, देखो करते गौरी करते, एक है ना, वन एक ही है, देखो ये कोई नहीं, एक दो तीन लगाएंगे जड़ी तो खींच के दो बनाएंगे, देखो चार तो नहीं है ना, इन छोटू के हाथ क्लोज बंद कर लो, हाँ ये भी लो, तो इसमें चार फूक लगानी है आपको, कितनी चार लगा दो, चार फूक, सात बार छोटू चार बार लगाओ, अरे वाह सिक्के रख दो, बन गए चार इधर, और कोइन रखो, कोइन ये कोइन रख दो, कोइन किधर है, कोइन किधर है, कोइन खड़े हो ना, खड़े हो जाओ, खड़े मैजिक मैजिक हाथ ऊपर करो, इसे
ऐसे मत करा कर छोटू, ये आदत है ना गई नहीं है चुराने की। चार बनाने को दिए जेब में डालिए दी। देखो ये कहाँ है भाई, ये दांत है, इसको तो हम बाद में निकालेंगे, तुम इधर बैठो। कोई जानवर को बाहर, अरे जानवर का हो तो कॉफी पीने चला गया था। देखो जानवर गया नहीं है किधर, जानवर इधर इधर बनेगा आपके सामने। देखो टोकरी में कोई जानवर तो नहीं है ना, ऐसे रख देंगे और जानवर बन के तैयार हो जाएगा। पर देख से लेंगे थोड़ी मिट्टी, क्या लेंगे सर, मिट्टी। तो देखो खाली टोकरी हम बीच में रखेंगे और जानवर बन के तैयार हो जाएगा। नहीं नहीं छोटू, झोले का शक नहीं करना, झोले में नहीं, ये कपड़ा तो बिल्कुल खाली है, कपड़े का शक नहीं करना। जानवर तो ये है, ये टोकरी, टोकरी में कोई जानवर नहीं दी थी। ये है जानवर, ये कान है दांत, क्या ये वाला टोकरी नहीं, ये वाला टोकरी भी बता देंगे छोटू, इस टोकरी में कहाँ जानवर है। ये टोकरी बिल्कुल खाली है, देखो उल्टा नहीं, हाथ भी दिखा देंगे खाली करके, देखो इधर कहाँ जानवर है। तो इधर भी कोई जानवर नहीं है, देखो जानवर ये पैर है मेरा, इधर कोई जानवर नहीं है। देखो जानवर तो ये है, ये देखो आवाज़ सुनो जानवर का, देखो बोलेगा। देखो साफ लोगों को बोल के सुनाओ आवाज़, बोलो क्या बोल रहा है सर। डमरू है डमरू, देखो डमरू को बाहर कर देते हैं और जानवर बन के तैयार है। और अभी दिखा देते हैं, देखो काटने वाले को तो हम अलग कर देते हैं और पालने वाले को बाहर। ओहो पकड़ लिया जानवर, देखो अभी दिखा देते हैं। देखो कपड़े को तो इधर करेंगे सर अलग, और जानवर को करेंगे इधर। पिजन, देखो ये क्या है, पिजन है ये, पिजन जिसमें बोलो चुर। अरे वाह सर वाह, हटा पर्दा दिखा दो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पुरानी शिड्डी अच्छी लगी होगी, यहाँ की गेम्स, यहाँ का मैजिक शो सब कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, हर बार की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करके भी बता देना यार पुराना शिड्डी हमारी वीडियो कैसी लगी। और आना जरूर यहाँ पे, आना जरूर, मस्ट विजिट प्लेस है, क्योंकि कैमरा में वो सब चीज़ें नहीं दिखती जो आपको यहाँ पर रियल में आके दिखेंगी। बहुत खूबसूरत जगह है, इधर आना जरूर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ओम साईं राम।